हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम टू माय गेमिंग चैनल। तो गाइस, आज हम फिर से हाँ खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। मगर आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि ओपी फायर पर क्लोज मॉब कैसे बनाते हैं, मतलब एक पीवीपी गो। अगर आप लोग भी मेरी तरह तंग आ चुके हैं अपने दोस्तों से मार खा करके और पीवीपी में हारने के लिए, तो आप लोगों का अभी टाइम है रिवेंज लेने का। तो गाइस, ये आपको ये वाला वेपन आपको 100% काम आने वाला है पीवीपी में और बाकी कामों के लिए भी। आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को सारी रेसिपी पता हो कि कैसे बनाते हैं इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देर के। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि क्रॉस बो मिलती कहाँ से है। तो गाइस, क्रॉस बो आपको मतलब पिलेजर आउटपोस्ट से मिल जाएगी और एशियन सिटी से भी मिल सकती है शायद, मतलब ज़्यादातर चांस आपको पिलेजर आउटपोस्ट से मिल जाएगी क्योंकि सारे पिलेजर्स यही क्रॉस बो लेके फेर होते हैं नल्ले कहीं के, और आपको उनसे ही मिलेगी मारने से, वो ड्रॉप कर देगा आपको आसानी से। और ढेर सारे आपको मतलब कम से कम 9 क्रॉस बो तो ले आना वहाँ से, क्योंकि भाई 9 क्रॉस बो की बड़ी ज़रूरत है इस वीडियो में। मतलब आपको क्रॉस बो अगर चाहते हैं कि अगर किसी बंदे को मारना है नेदरराइट फुल आर्मर वाले नेदरराइट के बंदे प्लेयर को, तो भाई आपको चाहिए होगी 9 क्रॉस बो सच्ची में। तो गाइस, अभी मैं बताने वाला हूँ कि क्रॉस बो को मतलब पावरफुल कैसे बनाया गया, मतलब एक क्रॉस बो को मतलब कौन सी इंचार्टमेंट ऐसी लगानी है जो मतलब ये पावरफुल बन जाए। सबसे पहले आप ये देखो क्रॉस बो लो, ओ आ जा, हाँ आ गई। और अब ये जो मेन जो होती है पीवीपी गॉड में जो क्रॉस बो है, फायर वर्क ओपी क्रॉस बो जो भी हो आप लो, तो उसमें से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बुक है वो है मल्टी शॉट, जो मतलब 3 फायरवर्क्स, मतलब अगर आप एक मतलब नॉर्मल बॉय जो जैसे ये, तो अगर आप इससे मारोगे तो मतलब एक एरो निकलेगा, मगर आप मल्टी शॉट से जब मारोगे तो मगर आप तो 3 एरोज निकलेंगे एक के बजाय 3। तो ये इसका फ़ायदा, मतलब ज़्यादा डैमेज बनने के चांसेस है, तो ये मल्टी शॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो इंचार्टमेंट है ये है 4 बुक्स मतलब आपको चाहिए लाजमी, जिसमें से है क्विक चार्ज, मल्टी शॉट, अनब्रेकिंग और मेंडिंग। इसकी मैं अभी बताता हूँ क्यों क्या पर्पस है इनका, और फायर चार्ज और ये वगैरह सारी रेसिपी है जो मतलब फायर वर्क को बनाने के लिए काम है के, और अलग रंग के, और वो भी बताऊँगा फायर वर्क मतलब फायर वर्क स्टार वगैरह, वो भी अभी आगे जाके मैं बताता हूँ। सबसे पहले अभी ये बुक्स ले लेता हूँ क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंचार्टमेंट जो बेसिक्स इंचार्टमेंट्स है वो कैसे बनाते हैं। तो अभी आपको मतलब एक एनुअल चाहिए होगा सारी इंचार्टमेंट्स के लिए, तो एनुअल में जाके क्लिक करो, तो फिर इस जो जो है हमारी बेसिक क्रॉस वो इसको आप यहाँ पे पुट कर दो। सबसे पहले क्विक चार्ज डालो। अब क्विक चार्ज का मतलब ये है कि वो मतलब जल्दी से चार्ज होती है, मतलब आप जल्दी से मतलब क्रॉस बो को रिलोड कर सकते हो, क्योंकि आम सिंपल अगर क्रॉस बो उसको रिलोड करने में बहुत टाइम लगता है और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, तो ये बहुत जल्दी से क्रॉस बो को मतलब रिलोड करती है। आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगा भी, तो ये कर लो। और वापस अब ये एक मल्टी शॉट, मल्टी शॉट का मैं आपको बता चुका हूँ, ये मतलब 3 एरोज मारती है एक के बजाय। और अनब्रेकिंग, अनब्रेकिंग मतलब ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ा देती है वेपन की, मतलब ये मतलब ज़्यादा ही देर तक मतलब इतनी जल्दी टूटेगी नहीं, ब्रोक नहीं होगी, बात साफ की जो बात है। और मेंडिंग, मेंडिंग मतलब अगर इसकी एक्सपी मतलब ड्यूरेबिलिटी लो होती भी है तो आप मतलब मेंडिंग से मतलब एक्सपी ले लेके अपने एक्सपी फार्म से जहाँ मर्जी से एक्सपी लेके इसको बढ़ा सकते हो वापस, मतलब रिपेयर कर सकते हो। तो ये मतलब 4 बेसिक है और चीप इंचार्टमेंट है जो आपको एक आम विलेजर लाइब्रेरियन से मिल जाएगी। तो अब हमने क्रॉस बो तो बना ली, अब हमारा काम है फायरवर्क्स कैसे बनाते हैं जो ओपी फायरवर्क मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो कि अगले बंदे को उड़ा के फेंके। तो वो ओपी फायरवर्क्स बनाने के लिए भाई सीधी सी बात है, आपको कुछ डाई चाहिए होगी, मतलब ऐसी डाइस जो मर्जी अपना फेवरेट कलर चूज़ कर लो, और उस डाइस आपको यहाँ से मिलेंगे, मतलब ये कुछ 4 फ्लावर्स मैंने ऐसे डिस्प्ले रखा हुआ है। आप बोन मील लो, देर सारी बोन मील जो कि आपको नेदर से मिलेगी, बोन ब्लॉक से, वहाँ पे मतलब सोल वैली, सोल सैंड वैली में होता है, हाँ सोल सैंड वैली में आप वहाँ पे जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको मतलब देर सारे बोन मील मिल जाएंगे। एक बोन ब्लॉक से मेरे ख्याल से पता नहीं कितने बोन मील मिलते हैं, वो आप जाके खुद चेक कर लेना, और बस आपने इस पर क्लिक करना है ऐसे। ओहो मैंने गलत क्लिक कर दिया, तो ये वापस लगाओ, मतलब राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करोगे देखो एक और आया, मतलब इन सब पर राइट क्लिक करो और मतलब ये आ जाएंगे। और मैं बताता हूँ इनका फ़ायदा, अब ये जो डाई आपको मैं बता रहा था जो डाई मेरी चेस्ट में पड़ी, इसको मतलब ढूंढते कैसे, ये फ्लावर से आपको मिलेगा इससे। देखो मंजीटा डाई, क्या नाम है इसका, ओहो मैग्नीटा जो भी है, मैंजीनीटा जो भी है डाई, वो मिलता है इससे। रेड डाई मिलती है इससे, पिंक ही मिलती होगी मेरे ख्याल से, हाँ पिंक डाई मिलती है, और इससे येलो डाई मिलती है, मतलब एक फ्लावर के बदले 2 डाई। भाई बड़ी मुफ्त ऑफर है, 1 buy 1 get 1 फ्री वाली ऑफर है ये तो। और ये भी इधर रख देते, इसका भी कोई काम नहीं है, मैं आपको बस बताया था कि डाई कैसे लेते। और अब एक जो दूसरी रेसिपी है, मतलब डाइस का तो मैंने आपको बता दिया ये चाहिए था, और दूसरी रेसिपी है पेपर, पेपर ये जो मैंने डिस्प्ले पे शुगर केन लगाए हुए, ये शुगर केन से आपको मतलब ढेर सारी मतलब पेपर भी आप आराम सुकून से ले सकते हो, क्या लाइब्रेरियन से भी ट्रेड कर सकते हो, मगर वो ज़्यादा मुश्किल होगा लाइब्रेरियन से ट्रेड करना। बस आप शुगर केन ले लो और इसको मतलब क्राफ्टिंग टेबल में डालो, सीधा सिंपल ऐसे करके ऐसे डालो, तो ये देखो 3 पेपर, 3 शुगर केन के बदले मतलब 3 पेपर ये ले लो, और मतलब और भी ऐसे आप बना सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पेपर कैसे बनता है, तो इसको ज़रा साइड पर रखते। और अब मेन जो है काम इन 4 का है, अब मैं आपको मतलब अब एक बेसिक
फायरवर्क को बनाने के लिए मतलब तीन चीजें चाहिए होती है, फायरवर्क, फायर चार्ज। दो किस्म के मतलब फायरवर्क होते हैं, एक स्मॉल रेडियस बनाते हैं और एक लार्जर रेडियस बनाता है। अभी मैं वो आपको समझाऊंगा वो क्या मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो गाइस अगर आप मतलब फायरवर्क में अगर आप फायर चार्ज इस्तेमाल करते हो, फायर चार्ज मतलब आपको मतलब वो जो धमाका होगा जो क्रॉसबो से निकलेगा वो बहुत ही बड़ा होगा। और अगर आप सिर्फ फायर चार्ज नहीं इस्तेमाल करते, सिर्फ गन पाउडर और सिंपल पेपर इस्तेमाल करते हो वो भी अपने फायरवर्क स्टार में, तो फिर वो मतलब एक बहुत छोटा सा रेडियस होगा उसका, मतलब छोटा धमाका होगा, इतना बड़ा नहीं। और जितना बड़ा रेडियस होगा उतनी डैमेज होगा, ये यकीन करो मेरा। और तो हाँ यही फ़ायदा है इन दोनों का, मैं आपको अभी सिखा दूंगा बनाते हुए। तो गाइस अभी फायरवर्क स्टार कैसे बनाते हैं, तो ये देखो फायरवर्क स्टार, ये मतलब अब फायरवर्क स्टार जितने ही आप डालोगे मतलब अपने मतलब उस फायरवर्क रॉकेट में, जो आप जितने आप ये फायर स्टार रॉकेट में डालोगे उतना ही डैमेज होगा। और अगर आप उसकी ड्यूरेशन मतलब ज़्यादा आप चाहते हैं कि ये दूर फेंकें, तो वो और दूर फेंकने के लिए मतलब आपको ज़्यादा गन पाउडर डालने पड़ेंगे। तो अभी ये देखो ये फायर चार के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लार्ज बॉल रेड, और अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या कह रहा है, स्मॉल बॉल, मतलब आप गन पाउडर डाई से भी कर सकते हो, ये ज़्यादा चीप है। और अगर आप ज़्यादा डैमेज चाहते हो तो यकीन मानो यार फायर चार्ज डाल के एक दफ़ा देखो। तो लार्ज बॉल रेड मैं अभी क्राफ्ट कर लेता हूँ, और ये मैं स्मॉल वाले आप बना सकते हो, अभी मैंने लेकिन लार्ज बनाए। तो गाइस मैं अभी वो मतलब स्मॉल रेड, ये भी मैंने लार्ज बॉल रेड वाला मैंने फायरवर्क स्टार बना लिया। अभी चलो मैं स्मॉल वाला भी बना के आपको दिखा देता हूँ और दोनों का मतलब फ़र्क भी बता दूंगा। ये स्मॉल बॉल रेड बन गई, अभी ये हमारे पास दो ऑप्शन थे, और अब हमने बस सिंपल फायरवर्क स्टार बनाना है, मतलब वो रॉकेट बनाना है सॉरी। और उसके लिए बनाने के लिए मतलब ये आपको ऐसे लाइन में 7 डालने, 1 2 3 4 5 6 7 7, और यहाँ पे पेपर और यहाँ पे गन पाउडर, और ये आपका देखो कितने सारे मतलब स्मॉल बॉल रेड है। अब ये देखो 7 है और ये अभी मतलब सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब फायरवर्क रॉकेट है, इससे ज़्यादा और कोई नहीं हो सकता। और हाँ अगर आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको मतलब ये 3 हटाने पड़ेंगे, मतलब ये आपको ज़्यादा डालने पड़ेंगे, ये सॉरी ऐसे करके डालने सॉरी ऐसे, तो मतलब ऐसे ये 3 डालने होंगे और ये पेपर डालना होगा, मतलब ये बन जाएगा। इसकी मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, मतलब ये दूर जाएगा आपका, बहुत दूर जाएगा। मगर आपको मतलब पीवीपी के लिए इतना दूर चाहिए नहीं होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि सब भी ज़्यादातर ये मुझे पता है कि शॉर्ट रेंज हो, और ये इसका भी भाई बड़ा दूर जाता है, ये नहीं कि इसका बहुत मतलब साथ ही आके गिर जाएगा, बहुत दूर जाता है, यकीन करो। तो गाइस अब ये मैंने लार्ज वाले लार्ज बॉल रेड वाले फायरवर्क्स बना दिए, और ये स्मॉल वर्क वाले थे, तो अब मैं आपको इनका डिफरेंस दिखाता हूँ। तो गाइस अब हमारे पास दो किस्म के रॉकेट्स आ गए, एक है ये स्मॉल बॉल और एक है लार्ज रेड बॉल। तो अब ये देखो स्मॉल बॉल रेड को, और ये देखो इतना छोटा सा था, ये बहुत ही छोटा है। और अब ये देखना ये लार्ज वाले को, अब इसका रेडियस बहुत बड़ा है, ये देखो ज़्यादा बड़ा था, मतलब अगर आप उस जिस बंदे को मारोगे तो उसका मतलब ज़्यादा डैमेज भी होगा। तो गाइस अब मैं आपको लोग सिखाने वाला हूँ कि इसकी टेक्निक क्या है लोड करने के लिए, इसको मतलब ऐसे राइड करके सिंपल नहीं करना, मतलब इसको आपने पहले अपने ऑफ हैंड में डालना है लार्ज वालों को, फिर इस क्रॉसबो को रिलोड करना है। ये रिलोड होगी ना, अब रिलोड होके मतलब ऐसे मारना है, ये देखो अब इसका जिसके साथ भी इंटरेक्शन होगा, मतलब रॉकेट का जिसके साथ इंटरेक्शन हो गया तो वो मतलब वही होगा, मतलब वो फट जाएगा उसी वक्त ही, रॉकेट फट जाएगी। और अभी मैं एज अ प्लेयर अभी टेस्ट करने लगा हूँ, तो एकदम से यहाँ पे मैंने बैट भी रखा है, ये ना अभी मैं मर जाऊँ, ये मैं पहली बार टेस्ट करूँ अब मतलब एज अ प्लेयर पे, अभी ये मुझे देखते कितना डैमेज करता है। चलो गाइस अभी मोमेंट ऑफ ट्रुथ पता चलेगा कि प्लेयर को कितना डैमेज करता है, क्या ये पता ये मुझे मार सकता है क्या 1 हार्ट पे लिया। ओह गाइस 1 मिनट के लिए देखा 1 हार्ट पे मैं पहुंच गया था, मुझे लगा अभी तो मैं गया था यार सच्ची में, मगर मतलब अच्छा भला डैमेज किया इसने यार, एक मतलब अच्छा भला यार डैमेज किया। और मतलब अब इस ये देखो अगर एक प्लेयर को इसने 1 हार्ट पे पहुंचा दिया सिर्फ एक क्रॉस बो ने, तो फिर मतलब अगर आप 9 क्रॉस बो एक साथ एक प्लेयर के ऊपर मारो तो उसका तो भाई रायता बन जाएगा मजाक के अलावा। तो इसलिए इसको भी टेस्ट करने के लिए मैंने आगे अपने कुछ थोड़े मतलब टेस्ट रखे हुए, इनके पास नाम पर मत जाना वैसे, वरना ये बड़े अच्छे टेस्ट के लिए है ना, टेस्ट कर लूँ ना तेरे ऊपर, बड़े गुस्से से देख रहे हैं। और ये 3 इडियट्स हमारे तुम लोगों के यही नाम डिजर्व करते हो ना, तो अभी इन 3 इडियट्स और इस मोए पे ज़रा हम टेस्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको बहुत एफिशिएंट और मतलब बहुत आसान ट्रिक बताने वाला हूँ, मतलब जो आप अपने दोस्तों पे इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो कि है मतलब अगर ढेर सारे क्रॉस बो चाहते हो और आपके तो यार ये तो बहुत ज़्यादा इंचांटमेंट बुक है, मैं तो कभी ज़िंदगी भर भी नहीं ले पाऊँगा, तो इसकी भी ट्रिक है। आप इनके अलावा मतलब इसको मतलब अभी मैं क्रिएटिव में जाता हूँ, ये क्रिएटिव में चले गया और इसको मतलब बस ऐसे कर दो, अब ये तो मसला आपका हल नहीं हुआ क्योंकि इंचांटमेंट तो वैसे ही है सब पे,
मगर आप बस सिवाय एक के, अब जो आपने एक तो बना लिया वो बस एक बना लेना, बाकी मर्जी है। फिर हाँ, एक तो आपने क्विक चार्ज के लिए बनाना है, बाकी ये जो है इन सब पे मल्टी शॉट लगा दो। सही बात है, इनसे ये होगा कि आप मतलब मल्टी शॉट तो लगा दिया आपने, मतलब निकलेगा तो फिर भी तीन ही ना, ज़्यादा वर्क, ज़्यादा काम तो मतलब मेन काम ही फायर वर्क है, मतलब अगला बंदा उतना ही तड़पेगा। तो अभी देखना इसका काम, अभी देखना, समझो अभी ये टारगेट है, आप इसके ऊपर मतलब दरादार मशीन गन की तरह इसको चला सकते हो। अभी देखते हैं ये कितने पे मरते हो। गोलम के पास याद रखना 50 हार्ट्स होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं, कमेंट पर जरूर बताना। चलो इस पर ट्राई करते हैं, ये होगा एक, देखो अभी से इस पर क्रैक्स पड़ गए एक पे ही, ये तो सही में मोए मोए, तो मोए मोए हो गया इसके साथ, तो सच्ची में अभी देखो अभी से क्रैक पड़ना शुरू हो गया। चल ये ले, और तीन चार पाँच छः और छः क्रॉस बो पे देखो गाइस, मतलब अभी मैंने अभी तीन इस्तेमाल भी नहीं की थी। चलो अब देखो, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, 50 हार्ट्स, चलो गोलम की सपोज करो इक्वल टू नेदरराइट प्लेयर तो हो ही गया ना, मतलब ये 6 क्रॉसबो एक नेदरराइट आर्मर वाले प्लेयर के लिए काफ़ी है, यकीन मानो। अभी जाके अपने दोस्तों पर ट्राई करो और उनका मुंह तोड़ जवाब दो उनको। और चलो अब इन 3 इडियट्स पर ट्राई करते हैं, क्या ये क्रॉसबो पे फारिग होते हैं। तो गाइस देखा, एक क्रॉसबो में भाई फारिग विलेजर तीनों, अब ये देखो तीन फायरवर्क्स बिल्कुल एग्जैक्ट उन पर हिट किया, तो भाई आपने बिल्कुल एग्जैक्ट उन पर हिट करना है। मतलब अगर आप देखो, अगर अगर पीवीपी करनी है तो देखो, तो गाइस हाँ, अगर आपने पीवीपी करनी है तो ऐसे मतलब ऐसे मारो, फिर आगे से जाके ऐसे मारो, फिर आगे से ऐसे मतलब मेरे हाथ पे स्पोज कोई सोड है, ऐसे ऐसे करो, फिर वापस से क्रॉस बो रिलोड करके ऐसे मारो। और हाँ, अब क्विक चार्ज का क्या फ़ायदा था, क्विक चार्ज का क्या फ़ायदा है, अभी देखो 2 सेकंड में रिलोड हो गया, वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। फिर ऐसे रिलोड किया, फिर ऐसे मारा, फिर ऐसे रिलोड किया, फिर ऐसे मारा, फिर ऐसे रिलोड किया, फिर देखा ये इसका फ़ायदा। और अभी मैं आप लोगों को मतलब ये कलर आप लोग कह रहे हो अगर अच्छा नहीं है, तो फिर अभी मेरे पास और कलर्स भी है आप लोगों के लिए। तो गाइस आपने मेरा रेड कलर के साथ तो देख लिया, और ये रही मेरी खुफिया चेस्ट जो मैंने पीछे रखी हुई थी, इसको जल्दी से मैं सारे फायरवर्क्स ले लेता हूँ। अब ये वाला फायरवर्क ट्राई करते हैं, और ये येलो था। और आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाऊँ मैं, ये देखो लोड किया, ये बस क्रिएटिव में हो सकता है ना, सर्वाइवल में ना करना, ट्राई एट योर ओन रिस्क, पहले ही कह रहा हूँ। देखा लगा ना मस्त, इतना फिट लगा ऐसे, बंदा ट्रांजिशन वीडियो में डाले टिकटॉक पे चले छोड़े इस बात को। तो अभी मैं ये वाला आपको येलो वाला तो आपने देख ही लिया, ये देखो मतलब रात में ये बड़ा कितने प्यारा लगेगा यार। हैप्पी न्यू ईयर में ट्राई करें, वैसे चलेगी हैप्पी न्यू ईयर, मगर अगली बार ज़रूर ट्राई करते हैं। और अब ये वाला कलर देखते हैं, ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कौन सा है, तो चलो देखते हैं। ये वही वाला मैग्नीटा जो भी था, मैं उसे बोले नहीं जाता था, वो वाला जो फ्लावर है, तो इसका भी देख लिया आप लोगों ने। अब ये वाला देखते हैं कौन सा है, वो भाई बहुत दूर। अच्छा ये ऑरेंज था, ये वाला ऑरेंज था, इसका भी बड़ा डार्क कलर है, हाँ इसका भी बड़ा डार्क कलर है, तो इसको भी साइड पे रखते हैं। और ये वाला डक ट्राई करते हैं, तो किस पे ट्राई करें, तो वैसे कोई वो देखो आगे वो एक चीप है, क्या पता उधर तक जाए, हाँ उधर तक नहीं जा रही। वैसे इसकी देखा जाए तो काफ़ी रेंज है, ये देखो अच्छी बुली रेंज है भाई, इतनी दूर और क्या चाहिए आप लोगों को, अगली उससे अच्छा क्रॉस बो इस्तेमाल कर दो। और ये देखो देखे शीप को आती है, वो शीप का तो भाई चिकन तो बुरा बन गया। और आखिरी ये जो है फायरवर्क देखते हैं ये कौन सा रंग का है, वो अच्छा ब्लू रंग का है, ये देखो कितना फिट है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप ऐसे और ट्यूटोरियल्स चाहते हैं तो फिर जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे, मेरी वीडियो कब आती रहेगी। और हाँ, वीडियो अगर अल्लाह हाफिज़ कहते हुए गुड बाय कहते वक्त के लिए मैं आपके लिए थोड़े बहुत फायरवर्क कर देता हूँ, और मैंने इसलिए नाइट भी की। ये देखो 2 सेकंड के, देखो क्या भाई क्या व्यू है, चलो इस व्यू पे ही चलो लाइक कर दो यार, ये छोटी बहुत तो प्रमोशन बनती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगली बार मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैं आगे कौन सी वेपन आपको अपग्रेड करना आपको लोगों को सिखाऊँ।